हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, हेल्थ एंड मेडिकल का जो एग्ज़ाम हो रखा था अभी, उन जिन जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। तो जिन बच्चों का थोड़ा कम अच्छा हुआ है, क्योंकि कल रात को आपको पता ही है आंसर की आ चुकी थी, उस पर हमने देखा भी था कि आंसर की कैसी आई है, फिर बहुत से बच्चों से कंसल्ट भी किया कि बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला हमें भी कि भाई क्या कैसे एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम अच्छा था, पेपर कैसा आया हुआ था, सीबीडी एग्ज़ाम था आपका। तो कल आंसर की भी आई बच्चों, बहुत से बच्चे तो जिन जिन से पूछा, मैक्सिमम बच्चों ने तो यही बोला कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, हमारा स्कोर अच्छा हो रखा है। तो फ्रेंड्स, जिन जिन का स्कोर अच्छा रखा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब JKSSB ने आपका एग्ज़ाम जो हेल्थ एंड मेडिकल का एग्ज़ाम भी पहले ही इसलिए करवाया था कि पहली बात तो इन जो पोस्ट की थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मेडिकल का एग्ज़ाम करवा दिया। अब क्या है कि रात को आंसर की आई, उसके बाद हम सब ने डिस्कस किया। तो मैं अब वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि ओवरऑल, अभी मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कोई कैटेगरी के बगैर सिंपल ओवरऑल जो कट है, हमें इतना लगा कि ओवरऑल कट जो है वो हो सकता है जो हमने निकाला अपने हिसाब से। तो मैंने कहा कि आपके साथ कट जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। तो आप सबको प्लीज़ जो है वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हेल्थ एंड एक्सटेंशन, जो हमारे हेल्थ एजुकेटर और एक्सटेंशन एजुकेटर का जो था एग्ज़ाम, ठीक है। अब उन बच्चों, जिन बच्चों ने वो पेपर दिया था, अब उसका एक्सपेक्टेड कट जो है वो हमें क्या लग रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड कट जो है वो कितना होगा, 90 से 95 या 92 से 95 के बीच उसका कट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये रफ कट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए यहाँ पे। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी तो कभी कभी सही भी निकलती है ना, हम कौन से 100% श्योर होते हैं, लेकिन कुछ 10% ऊपर 10% नीचे का तो होगा ही, लेकिन बाकी सही होगा, ठीक है। अब क्या है, पहले मैंने आपको बताया हेल्थ एजुकेटर और एक्सटेंशन एजुकेटर का जो कट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 92 से 95, ठीक है। हाँ, अब दूसरे नंबर आते हैं किसका, हेल्थ इंस्पेक्टर का। हेल्थ इंस्पेक्टर का अब देखिए, इसका कट जो है, जो हमने पूरा एनालाइज करके जो इसका कट निकाला, वो निकाला कितना, लगभग 85 से 90 के बीच में, ठीक है, 85 से 90 के बीच इसका कट होने के चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, दो हो गए, एक हेल्थ एजुकेटर एक्सटेंशन एजुकेटर का कट हो गया, और दूसरा हो गया हमारा हेल्थ इंस्पेक्टर का, ठीक है। थर्ड हमारा आ गया जो हमारा था FMPSW का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, इसका जो ओवरऑल कट हमें लगता है वो कितना होगा, इसका ओवरऑल कट जो होगा वो होगा 76 से लगभग 80 तक तो होगा, ठीक है, 76 से 80 के बीच इसका कट होने वाला है, ठीक है। और लास्ट वन हमारा आ गया जूनियर स्टोर कीपर का, जो हमारा कट होगा ये ज़्यादा होगा थोड़ा, हमें तो जिससे हमने पूछा कि हमें तो इतना ही लगा कि इसका कट जो है ज़्यादा होने वाला है, इसका कट होगा लगभग 90 से 95 के बीच, ठीक है, 90 से 95 के बीच इसका कट होने वाला है। तो ये जो चार थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हमें जो लगा पहले का 90 से 95 के बीच, दूसरा 86 से 90 के बीच लगभग, फिर 76 से 80 के बीच, और लास्ट हमारा आ गया 90 से 95 के बीच, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने स्कोर भी बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से हमने बताया कि ओवरऑल कट इतना होना चाहिए। अब हम पूरे थोड़ा सा डीप स्टडी करके आपको बताएंगे कि कैटेगरी के हिसाब से कितना जा सकता है कट, ठीक है, वो हम एक और वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें हम कैटेगरी वाइज भी जो है वो कट डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमने ऑल ओवर कट आपको बताया, तो होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ आपकी सपोर्ट जो होती है हमारी सपोर्ट होती है, हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, और अगर कोई कमेंट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।